Türkiye la görmüyor. İslam ya, İslam ya. Burada Vasim Malunca Fazido. Fazido, Fazido. Vasim Malunca Fazido. Fazido, Fazido. Vasim Malunca Fazido. Fazido, Fazido. Vasim Razvi ka jayar hai. Gaddar hai, gaddar hai. Vasim Razvi ka jayar hai. Gaddar hai, gaddar hai. हिंदुस्तान को उसके सर से हाथ उठा लेना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए, उसको कैफरे किरदार अपराध हैं जो हिंदुस्तान में अमन को तक पहुंचाते हैं, अमन के अंदर जो है और ये हिंदुस्तान या मुसलमान और मुसलमान के बीच में तफरकाबाजी करा करके ये दुनिया और हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। इस तरह के मुनाफरत आमेज किसी तरह का भी पता लगा करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और यही मेरी हमारी इस तमाम अंजुमन जाफरिया और इसकी तरफ से और हमारी मीडिया से भी यही गुजारिश है कि इस बात को, इस एहतजाज को जो है अपने आला अफसरान तक और हर जगह तक इस बात को जो है पहुंचाया जाए ताकि वसीम मलऊन को अपनी बात वापस लेने और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हमारी मदद हमें हासिल हो सके। बहुत खो मीडिया और अपने इन दोस्तों के मैदम से मैं एक अपना एहतजाज यहाँ पर बताऊँ कि वसीम मलऊन जो हिंदुस्तान का एक बाशिंदा है और इस तरह के इकदामात पहले भी किए गए हैं इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और मैं इस मीडिया के ज़रिए से ये कहूँगा कि ऐसे अफराद के जिन्होंने किसी मज़हब को चैलेंज किया है, किसी मज़हब के अकायद को चैलेंज किया है और फेथ को चैलेंज किया है, जो आज से 1400 साल पुराना फेथ है, ईमान है और जिसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन किसी भी फिरके या किसी भी हुक्मरान के होते हुए किसी शख्स ने नहीं किया है, तो इसने ये एक बहुत बड़ा घिनौना अमल अंजाम दिया है और इसने तारीख़ में बहुत गलत कदम उठाया है। जो कुरान के ख़िलाफ़ इसने जो है चैलेंज किया है, कुरान पैगाम अमल लाया है, कुरान हर शख्स के लिए, इस्लाम हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए पैगाम अमन देता है। किसी फिरके के साथ मुनाफरत को ये बढ़ावा या टेरोरिज्म को ये हरगिज़ बढ़ावा नहीं देता। टेरोरिज्म तो ये लोग हैं कि जो लोगों का खून खाते हैं और अपनी शोहरत तलबी और दुनिया परस्ती की खातिर जो है ये इस तरह के इकदाम उठा करके ताकि अपने आप को शोहरत इनको मिले, और यही जालिम और डकैत लोग हैं कि जो इस वक्त जो है किसी बैनर तले जा करके जो है ये काम करते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर अपील करता हूँ अपनी मीडिया के ज़रिए से अपने हुक्मरानों को और अपने तमाम जो हुक्मरान इस वक्त दुनिया हिंदुस्तान में पाए जाते हैं कि इस मलऊन को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हिंदुस्तान में किसी शख्स को ऐसा मौका ना दिया जाए कि जो मजहबी मुनाफरत फैलाए और मजहब के नाम से जो है एक दूसरे को फिरकाबाजी और लड़ाए। मुसलमान किसी भी फिरके के साथ किसी भी मजहब के साथ मुनाफरत नहीं रखता है।